आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि दो आइडेंटिकल स्ट्रेट वायर्स हैं और वो स्ट्रेच्ड हैं। मतलब अगर इसको अपन पहला वायर मानते हैं और तो ये अपना दूसरा वायर हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रेच्ड हैं। T1 और T2 इनिशियल टेंशन है दोनों का। इसका इनिशियल टेंशन T1 है, इसका इनिशियल टेंशन T2 है और T1 जो है T2 से बड़ा है। और ये दोनों जब साइमल्टेनियसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो 6 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं पर सेकंड। दे प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकंड। ऐसा किया गया कि इन दोनों में से किसी एक में टेंशन को स्लाइटली चेंज कर दिया गया। तो ऐसा देखा गया उस केस में कि बीट्स जो प्रोड्यूस हुआ वो अनचेंज था। मतलब फिर अभी भी 6 बीट पर सेकंड ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब स्लाइटली चेंज किया गया टेंशन को। तो T1 एंड T2 को स्लाइटली चेंज किया गया, अभी भी 6 बीट्स पर सेकंड चेंज हो रहा है। तो अपने से उस केस में पूछा गया है कि आखिर ऐसा क्या किया गया होगा T1 और T2 के साथ। मतलब T1 को बढ़ाया गया होगा, T2 को बढ़ाया गया होगा, क्या किया गया होगा कि अभी भी 6 बीट प्रोड्यूस हो रहा है पहले की तरह। तो अपन जानते हैं कि जो अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F इक्वल टू 1/12 इंटू रूट अंडर T1 बाई म्यू मास पर यूनिट लेंथ। लेंथ तो दोनों का सेम है, दोनों स्ट्रिंग का। म्यू भी सेम है क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग ही सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम ही रहेगा। जो अपना एफ है वो सिर्फ टी के वजह से बदल रहा है, ठीक है। तो एफ इस अगर सब बाकी कॉन्स्टेंट्स को हटा दिया जाए तो अपना हो जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T1। मतलब जितना ज़्यादा एफ उतना ज़्यादा रूट अंडर T1। तो ऐसा किया गया जैसे कि T1 ग्रेटर है T2 से, तो पहला वायर में जाहिर सी बात है अगर पहला वायर F1 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा तो क्योंकि T1 ग्रेटर है T2 से तो F1 जो अपना होगा वो F2 से ग्रेटर होगा क्योंकि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T1 और रूट अंडर T1 अपना रूट अंडर T2 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है F1 अपना F2 से बड़ा होगा उस केस में। अब ऐसा किया गया कि तो अगर अपन नंबर लाइन में प्लॉट करें तो अगर ऐसा है तो F1 कहीं यहाँ आ रहा होगा और F2 कहीं यहाँ आ रहा होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 बीट पर सेकंड होगा कुछ इस तरह से। F1 इज ग्रेटर देन F2। अब क्या हुआ कि टेंशन चेंज किया गया। टेंशन चेंज करने से क्या चेंज होगा, F चेंज होगा। टेंशन को घटाएंगे तो F भी घटेगा। तो अगर मान लेते हैं कि टेंशन को घटाया गया, पहले वायर के टेंशन को घटाया गया, तो F1 को अगर घटाया जाए और F1 घट घट के कहीं यहाँ आ जाए सच दैट ये डिफरेंस अभी भी 6 ही रहे, तब भी 6 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा किया जा सकता है कि F1 को घटा के यहाँ पे ले आया जाए ताकि ये डिफरेंस F2 ज़्यादा हो जाए लेकिन F1 कम हो जाए, लेकिन डिफरेंस हमेशा 6 ही रहे तब भी 6 बीट ही प्रोड्यूस होगा। तो एक तो तरीका है कि T1 को घटा दिया जाए, T1 इज डिक्रीज्ड। एक और तरीका है, जैसे पहले इनिशियल सिचुएशन क्या था, F2 यहाँ था, F1 यहाँ था। अब एक तरीका है कि T2 को बढ़ा दिया जाए, T2 को बढ़ा दिया जाए सच दैट F2 बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाए कहीं और F2 और F1 का डिफरेंस उस केस में भी 6 ही रहे, तब भी 6 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि F2 माइनस F1 6 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है T2 को बढ़ा दिया जाए। तो यही दो तरीका है जिससे 6 बीट्स पर सेकंड ही प्रोड्यूस हो। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, इधर T2 वॉज इंक्रीज्ड और T1 वॉज डिक्रीज्ड। तो ये डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा।